हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। देखें, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि यहाँ पे डॉक्टर को जीपी कहते हैं और गवर्नमेंट जो है वो मेडिकेयर में कवर करती है उसकी कॉस्ट। तरीका ये होता है कि आपको अपना अपॉइंटमेंट पहले बुक करना पड़ता है और जीपी के पास जाके आप अपना अपने आपको चेकअप जो करवाना होता है वो करवाते हैं, और मेडिकेयर जो है वो सारी कॉस्ट को कवर करता है जीपी की। लेकिन अगर ऐसा होता है कि जीपी को लगता है कि अगर आपको किसी स्पेशलिस्ट को रिकमेंड करना है तो आपको रिकमेंड करता है स्पेशलिस्ट के पास, और स्पेशलिस्ट की जो फीस होती है वो अमूमन जो है वो कवर नहीं होती गवर्नमेंट की फंड्स में। लेकिन ये होता है कि अगर आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस है तो उसमें आप उसको कवर कर सकते हैं। कुछ होते हैं जो कि स्पेशलिस्ट भी होते हैं जो कि मेडिकेयर में कवर हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं तो उसमें रश भी बहुत ज़्यादा होता है तो इतने आसानी से मिलते नहीं है। मैंने एक अपना जनरल चेकअप के लिए बुक करवाया अपॉइंटमेंट, तो आपको साथ लेकर चलते हैं, स्टे ट्यून। तो सामने देखें, वो एक जीपी है हमारे इस इलाके में, ये डॉक्टर्स एट विस्टन के नाम से जीपी है। ये मुझे रिकमेंड किया गया है कि सबसे अच्छा जीपी है इस इलाके में। यहाँ पे वुलवर्थ है, वुलवर्थ के साथ ही ये डॉक्टर्स एट विस्टन है। तो देखें, ये अंदर का एरिया है, सामने रिसेप्शनिस्ट बैठी हैं, तो वो मुझे नंबर दे दिया उन्होंने। अब वो यहाँ पर जो है डॉक्टर खुद ही आकर कॉल करता है कि भाई आपका नंबर आ गया। ऑल राइट गाइस, अभी हम डॉक्टर के पास से जाके आ गए और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के दिए हैं, तो वो टेस्ट हम करवाएंगे। कल सुबह फास्टिंग करके आना है, तो आप देखें ये सब टेस्ट उन्होंने लिख के दिए हैं और ये टेस्ट भी सारे जो है मेडिकेयर में कवर हो जाएंगे। और ये एक सहूलत है यहाँ पे कि आपको कोई भी चीज़ अपनी आउट ऑफ पॉकेट देनी नहीं पड़ती, तो मेडिकेयर से सब कुछ कवर हो जाता है। खैर, मेरे पास तो प्राइवेट इंश्योरेंस भी है और उसमें ये होता है कि अगर स्पेशलिस्ट को रिकमेंड करेंगे तो वहाँ से मैं वाली कॉस्ट भी कवर कर सकता हूँ। और प्राइवेट इंश्योरेंस का फ़ायदा ये भी होता है कि अगर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ गया खुदा ना खास्ता, उसमें ये होता है कि हॉस्पिटल की जो कॉस्ट होती है वो गवर्नमेंट कवर करती है, लेकिन उसमें होता है कि आपको वेटिंग लिस्ट आ जाती है और उसमें वो चेक करते हैं कि कौन कितना सेवियर केस है। तो अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो आपको बस बैठा देते हैं कि भाई जब तक इमरजेंसी नहीं होगी आपको हम आपकी जब बारी आएगी जब हम आपको ट्रीट करेंगे। तो एक ये फ्लॉ है यहाँ पर कि भाई अगर आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं है तो आपको वेट करना पड़ता है, अनलेस कि अगर आपको बहुत सीवियर और इमरजेंसी इशू है और आपको इमीडिएटली इनको ट्रीट करना है तो फिर आपको ये सर्व करते हैं, वरना ये कि आपको उठा कर रखते हैं, तो जब तक आपका नंबर नहीं आता आपको वेट करना पड़ता है। इसके अलावा प्राइवेट इंश्योरेंस का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक्स्ट्रास जो होते हैं यानी कि डेंटल या ग्लासेस वगैरह जो हैं वो कवर एक्स्ट्रास के थ्रू आप अपने प्राइवेट इंश्योरेंस में कर लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये एक्स्ट्रास कवर नहीं करती। और आपको डेंटल इशू है और इस तरह की एक्स्ट्रास आपको कवर करना है तो आपको प्राइवेट इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। अच्छा, एक और बात यहाँ बताना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो मेडिकेयर सर्विसेज या गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल सर्विसेज दी जाती हैं वो ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल फ्री होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है आपको टैक्सेस के अंदर वो मेडिकेयर लेवी चार्ज करते हैं, तो तकरीबन 2% ऑफ योर सैलरी वो आपसे इसकी डिडक्शन करते हैं आपकी सैलरी से। तो ये कंपलसरी है कि आपकी सैलरी में से ऑटोमेटिकली 2% मेडिकेयर लेवी डिडक्ट हो जाती है। लेकिन उसमें ये है कि जिसकी सैलरी 180K प्लस है यहाँ पर एनुअली, तो उनको मेडिकेयर लेवी सरचार्ज भी लगता है अगर उनके पास प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं होती तो यहाँ पर बड़ा सिस्टम है कि आपको कंट्रोल किया जाता है कि भाई जो ज़्यादा कमाता है तो उसको इस तरह का सिस्टम करते हैं कि भाई जो अफोर्ड कर सकता है प्राइवेट इंश्योरेंस तो वो प्राइवेट इंश्योरेंस ले लें, ताकि गवर्नमेंट की मेडिकेयर सर्विसेज के ऊपर इतना लोड ना पड़े और जो बंदा अफोर्ड कर सकता है वो अपनी प्राइवेट इंश्योरेंस लेके रखें। यहाँ पर ना ये कि गवर्नमेंट इस पर अच्छा खासा मेडिकेयर लेवी सरचार्ज लगाती है, तो बेहतर यही होता है कि आप प्राइवेट इंश्योरेंस ले लें, क्योंकि इसमें बेनिफिट ज़्यादा है आपको, फिर आपको जो एक्स्ट्रा वगैरह है वो भी कवर हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पर इंश्योरेंस ऐसे ली हुई है। तो यहाँ पर जो सिस्टम है उससे आप बच सकते नहीं हैं, आपको कहीं ना कहीं से ये लोग पकड़ लेते हैं कि भाई अगर आप ज़्यादा कमा रहे हो तो फिर ज़्यादा खर्चा भी करो। तो ये एक छोटा सा वीलॉग बनाया था आपके लिए कि आपको दिखाएं कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह डॉक्टर्स की सर्विसेज ली जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ और बाय।